कराची में माह रमजान के दौरान डाकुओं के हाथों 11वां शहरी कत्ल। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए माल के साथ जान लेना मामूली बात हो गई। लुटेरों ने डकैती मजाहमत पर अमजद की जान ले ली। मकतूल दो बच्चों का बाप और सुरजानी टाउन में रियल एस्टेट का काम करता था। कराची में दंदनाते लुटेरे, कानून का खौफ, ना पकड़े जाने का डर। सफाक लुटेरों ने दो बच्चों को यतीम कर दिया। खानेवाल से आने वाले अमजद की जान ले ली। मकतूल अमजद के भाई की दुहाई ने कराची वालों को रुला दिया। भाई तो मेरे छोटे गुजरे में मार गए, वो मामला फिर लगाने क्या हो गया। वो जुल्म हुआ हमारे साथ यार, हमारे लिए कुछ करो यार, हमारे लिए कुछ करो यार, खुदा का वास्ता है यार, बाकियों के लिए भी कुछ करो यार। बहुत बुरे हालात है यार, लोग बहुत मर रहे हैं यार, डगे तो जीना आराम किया हुआ है यार, कुछ कर लो। मेरा तो भाई मर गया है, बाकियों को तो बचा लो यार, खुदा का वास्ता है, बाकियों को बचा लो यार। व्हाट्सएप सिस्टम की बेहिसी पर फट पड़े। अब्बासी शहीद ने मकतूल के पोस्टमार्टम के लिए बहती आंखों से ML1 का इंतजार करते रहे। अभी दो घंटे से ये बना रहे हैं, यहाँ पर ये पर्चे बना रहे हैं, कलर कैसे कपड़े का, गोली कहाँ लगी क्या बता दिया, उसके बाद पता ही नहीं है। अभी दो से ढाई घंटे हो गए, ML1 साहब का पता ही नहीं है। खानेवाल से कराची आने वाला अमजद अपने साथी अमान के साथ बैंक रकम लेकर निकला था। डकैतों ने ताकुब किया, गाड़ी न रोकने पर फायरिंग कर दी। मौके पर मौजूद शहरी जख्मियों को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोहम्मद अमजद अबदी नींद सो गया था। रमासाल डकैतों की फायरिंग से जहां बहक अफराद की तादाद 50 हो गई। रमजान के दौरान लुटेरों ने 11 जिंदगियों के चिराग बुझा दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।